तो घर को सजाना है और पैसे भी बचाने हैं, तो ये रीयूज आइडिया आपके लिए बने हैं। तो ये है बिल्कुल कबाड़ से बने हुए डीआईवाई आइटम्स। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो हमारे घर में कितने सारे ऐसा कबाड़ पड़ा होता है, प्लास्टिक का सामान पड़ा होता है जिसे हम फेंकने वाले होते हैं या फिर कबाड़ी को देने वाले होते हैं। तो उससे हम कुछ और रीयूज करके एनवायरनमेंट भी बचा सकते हैं और अपना जो घर है हम वो भी सजा सकते हैं। और दिवाली हम आने वाली है वैसे भी दिवाली, तो दिवाली पे इस बार हम बनाएंगे बढ़िया बढ़िया लालटेन, जो कैंडल होते हैं तो मार्केट से तो हम खरीद सकते हैं कितना भी, लेकिन जो हमारे पास खुद का बनाया हुआ सामान होगा वैसा हमें कहीं नहीं दिखेगा, तो एकदम यूनिक आइटम हमारे पास होगा। तो चलिए बनाते हैं इस स्टूल से। ये एक स्टूल है, बिल्कुल बेकार स्टूल है मेरा और ये टूट गया था, इसके ऊपर का भी मैंने यूज़ कर लिया है और एक और स्टूल बनाया है उसी से। और ये है एक टॉप है, तो ये बेटी का मेरी टॉप था, तो इसको ही मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ। और मैं किस टाइप से इसको बनाऊंगी तो चलिए शेयर करती हूँ मैं आपके साथ। और अगर वीडियो अच्छी लगेगी, मेरा लालटेन और मेरे कंडल अच्छे लगेंगे, तो एक लाइक कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अब तक नहीं किया है तो। और रीयूज आइडियाज देखने के लिए एक बार चैनल पे विजिट जरूर करना, तो इसी टाइप के आइडियाज आपको बहुत सारे मिल जाएंगे कि हम कैसे अपने घर में जो हमारा बेकार सामान पड़ा होता है उसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे रीयूज कर सकते हैं और इतने सुंदर सुंदर आइटम्स हम बना सकते हैं। फ्रेंड, मैंने ये लैम्प बनाने के लिए एक स्टूल ले लिया है, मेरा टूटा हुआ स्टूल था ये। और ये टॉप है, ये जो मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ, ये बच्चे का टॉप था मेरा और उसका छोटा हो गया था, तो उसी को मैं इसका लगा रही हूँ इसके ऊपर। तो ये बिल्कुल इसके साइज का ही निकला और मुझे कोई भी सिलाई वगैरह नहीं लगानी पड़ी, तो ये एकदम फिट आ रहा है इस पर। मैं इसके साइज का इसको काट लेती हूँ, ऊपर से भी मुझे इसको पूरा बाइंड करना है, तो इसी हिसाब से मैं काटूंगी इसका नाप लेके, जितने अभी है इसका लंबाई है इस टाइप से चढ़ा दूंगी मैं इस पर। और मैंने काट लिया है ऊपर से, और ऊपर अब मुझे घूम भरने हैं थोड़े से, जिससे ये बीच में एक छेद है इसके स्टूल के, और उसके अंदर मैं ये सारा थोड़े से धागे से चारों तरफ सिलाई करके और अंदर रख दूंगी। तो यहाँ मैं साइड में नीचे की साइड पूरा कवर कर रही हूँ इसको ग्लू गन से, पूरे में चिपका दूंगी मैं नीचे की तरफ। तो इस टाइप के लिए हम मार्केट में बहुत आजकल ट्रेंड में हैं, और ये बस हमारा आइडिया है कि हम किसी चीज़ का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी पुरानी चीज़ को कैसे रीयूज़ कर सकते हैं। तो वो इतना खूबसूरत लगता है और वैसा पीस कहीं दूसरी जगह मिलता भी नहीं है, तो इस टाइप से मैंने ये लगा दिया है, चारों तरफ इसको बाइंड कर दिया है। अब यहाँ हम मैं सुई धागे से एक सिलाई लगा दूंगी पूरे में गोल, तो इसको मैंने खींच दिया है और ये इसमें घूम बन गए हैं बीच में, और इसे थोड़ा अच्छे से सिल दिया है। अब बीच में जो छेद है उसके अंदर मैंने सारा ये डाल दिया है, और नीचे से मैं इसको अच्छे से खींच लूँगी। तो इसको बहुत टाइट करके खींच के एकदम स्टिक करना है। तो इसकी जगह हम कपड़े की जगह कोई स्टिकर वगैरह भी लगा सकते हैं या पेंट कर सकते हैं, लेकिन जो फैब्रिक है वो एकदम मॉडर्न लुक देगा इसको। तो इस टाइप से ही अंदर से भी मैंने इसको चिपका दिया अच्छे से। और अभी मैंने ये एक लेस ले ली है जिसमें बहुत सारे मोती वगैरह लगे हुए हैं, सिल्वर कलर के हैं वो, और बहुत सुंदर लगेंगे इस पे लगा के। तो मैं इसको इसके बिल्कुल किनारे पे लगाऊंगी। तो पूरे में मैंने लगा लिए, ये चारों तरफ लगानी है। तो इसको हम टेबल लैम्प भी बना सकते हैं, या फिर जो स्टैंड वाला लैम्प होता है हमारा लॉन्ग वाला, वो भी बना सकते हैं। तो मैंने तो हैंग वाला बनाया है, ये हैंगिंग करूँगी मैं इसको। तो
ये सब मेरा दिवाली का आइटम बन रहा है, तो मैं हर साल इसी टाइप से बनाती रहती थी कुछ ना कुछ। तो ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। तो अब मैं इसमें बल्ब भी लगा दूंगी, तो इसमें बीच में छेद था ही तो मुझे करना भी नहीं पड़ा। तो इस टाइप से मैंने बल्ब जो है वो अरेंज कर दिया है, और देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये जला के। और इसमें अगर नाइट बल्ब लगा देंगे तो ये नाइट बल्ब भी बन जाएगा हमारा। तो अंदर से मैंने ये एक जो बॉक्स था मेरा छोटा सा वो लगा दिया है मैंने। तो नेक्स्ट जो है वो मैं बनाऊंगी दूसरी टाइप की लालटेन, तो ये कंडल भी बोल सकते हैं हम इसको। तो इसके लिए मैंने ये फैब्रिक ले लिया है, प्लेन सा है ये, बुलन फैब्रिक है, और इसी की ये एक बॉर्डर था इसमें ये लगा हुआ इसी फैब्रिक में। तो ये एक सूट का मेरा बच गया था कपड़ा, तो उसी का है। तो इस टाइप से यहाँ चारों तरफ इसको बाइंड करना है, तो यहाँ एक सिलाई लगा देनी है इसी के साइज़ की, जितना भी ये बॉक्स है। तो ये दो बॉक्स मैंने ले लिए हैं और दो लालटेन मेरे बनेंगे। तो इसको मैंने सिल लिया है। अब इसमें ये जो साइड के हैं वो हमें काटने हैं, क्योंकि हमें बल्ब लगाना है इसमें भी। तो ये इसमें बॉक्स में ऊपर कितना अच्छा होल दिया ही हुआ था, तो इसको मैं चिपका दूँगी अच्छे से, जिससे इसमें बल्ब जो है वो हैंग हो जाएगा। तो इसको भी मैं अच्छे से चिपका दूँगी, ताकि ये जब हैंग होगा तो एकदम मजबूत रहेगा। तो पीछे की साइड से भी ये मैं सब अंदर कर दूंगी इसको, जितना भी हमारा ये पार्ट था। जो एक्स्ट्रा है वो अंदर चिपका देंगे। अब मैं इसको फैब्रिक को इसमें डालूंगी, उससे पहले मैंने इसमें हॉल कर रही हूँ मैं, जिससे कि हम बल्ब लगाएंगे तो इसमें लाइट जो है वो अच्छे से दिखेगी। तो इस टाइप से मैंने ये जो चारों तरफ से थोड़ा सा गैप करके और यहाँ कट करा है। इसी टाइप से मैं सब तरफ से काट लूँगी इसको। तो मैंने ये चारों तरफ से काट लिया है। अब मैं इसमें ये फैब्रिक डाल रही हूँ। ये बिल्कुल फिटिंग का है जो मैंने बनाया है, इसकी फिटिंग लेके। तो इसके बाद मैं जो ये लटकन होती हैं ब्लाउजों में लगाते हैं वो ले रही हूँ मैं, एक ही कलर की हैं सारी, ब्लू कलर की। तो यहाँ मैं लटका दूँगी ये नीचे की साइड, और इसे गन से, ग्लू गन से अच्छे से चिपका दूँगी। तो चार कोने हैं इसके, तो चारों कोनों पे मैंने ये एक एक लगा दिए। अब हमें ऊपर हैंगिंग के लिए कुछ बनाना है, तो ये मैंने छोटी सी एक ले ली है, पतली सी रस्सी जैसी। तो ये भी मैं इस पर चिपका दूँगी ऊपर की साइड, जिससे ये जो हैंगर है वो बन जाएगा हमारा। तो ये जो एक्स्ट्रा है हमारा फैब्रिक, उसको मैं काट दूंगी। अब उसके बाद ये बॉर्डर जो है उस पर मैंने अच्छे से प्रेस कर दी है दोनों साइड नीचे दबा के, और यहाँ मैं इसको अच्छे से चिपका दूंगी। तो ये मेरा रेडी हो गया है अभी। इसके बाद मैं इसमें लैम्प लगा लेती हूँ। तो ये जो इसके होल था ऊपर की साइड, तो उसी में मैंने ये बल्ब इस टाइप से डाल के, और ये फिट हो गया बिल्कुल। तो बल्ब भी हमारा लग गया है बिल्कुल इस सेट होके इसमें। अब ये बिल्कुल रेडी है। अभी हमें ये थोड़ा खाली हिस्सा लग रहा है, तो कुछ और भी मैं इस पे करना की सोच रही हूँ, क्योंकि ये साइड जो है वो थोड़ी सी खाली लग रही है, लेकिन बहुत ही मुझे तो ब्यूटीफुल लग रहा है ये। तो अब मैं इसमें लगाने के लिए मैंने मिरर ले लिए हैं, तो एक एक मिरर और उसके साथ में छोटे छोटे मिरर मैं इसमें लगा दूंगी चारों साइड।
तो ये फैब्रिक ग्लू से मैं इसको चिपका रही हूँ। सभी तरफ इसको मैं लगा दूंगी। तो जो दूसरा पीस है वो भी मैंने इसी टाइप से रेडी कर लिया है, उसमें भी मैं इसी टाइप के ये सीसे वगैरह लगा दूंगी। तो देखिए कितना सुंदर लग रहे हैं। तो ये मेरे लैंटर्न बिल्कुल रेडी हैं, और दिवाली के लिए अभी मैं और भी आइटम बनाऊंगी। तो इसमें मैंने लाइट भी लगा दी है, अभी मेरे पास एक ही बल्ब था तो मैंने एक में ही लगाया है। अभी दिवाली के टाइम में सबके लिए लाइट्स वगैरह ले आऊँगी। तो इस टाइप से हम अपना कबाड़ जो है रीयूज़ करके आइटम बना सकते हैं। तो लाइक कर देना वीडियो को और चैनल।